हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज मुझे जाना है पूना, कुछ काम है, बाइक के रिलेटेड ही काम है। सो यस, मुझे आज पूना जाना है, तो मुंबई पूरा मुंबई एक दिन में, और वो भी इतने ज़्यादा धूप में। अभी बजे सुबह के 8 और मैं निकल रहा हूँ पूना के लिए। अराउंड 11-12 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, एंड देन उसके बाद जो बाइक में थोड़ा बहुत काम के लिए मुझे वहाँ पे डिस्कस करने जा रहा है एक्चुअली, एंड उसके बाद बाइक के ऊपर काम होगा। तो देखते हैं ये सब कैसे चलता है। चलो वीडियो के साथ साथ मेरे फाइनली ऑन MIDC हाईवे। यार निकलते निकलते 9:15 हो गए, लाइक 8:45। मतलब अभी मुझे पूना पहुँचने बराबर 12 बजेंगे। दोस्तों अभी मैंने जस्ट पनवेल को क्रॉस किया है, एंड जो ट्रैफिक है ना गाइस, क्या बोलूं मैं आपको। जो पनवेल का मेन सर्कल है कलमडोली मैकडोनल्ड्स के यहाँ का, वहाँ पे कोई तो ट्रक का एक्सीडेंट होके रखा था। यार इतना गंदा ट्रैफिक है ना, मतलब अगर फोर व्हीलर में कोई आ रहा है तो वो एटलीस्ट कम से कम एक घंटे के लिए गया काम से। यार ये फ्लाईओवर पे कौन स्पीड ब्रेकर बनाता है भाई, कौन बनाता है यार। तो दोस्तों यार मज़ा आया यार हाईवे पे गाड़ी भगाने में। जब बहुत दिनों बाद आप हाईवे पे निकलते हो ना, वाह यार क्या फील है यार। बट आज का अपना राइड बहुत छोटू सा है, ठीक है एटलीस्ट चलेगा चलेगा, इतना तो चलेगा। चलो एक फ़ोटो निकालता हूँ और इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देता हूँ। वाह ये टायर में मज़ा आता है मेरे को गाड़ी चलाने में, MRF रेव्स। बाय द वे अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई। चलो इंस्टाग्राम स्टोरी तो डाल दी, देखते अभी पब्लिक क्या बोलती है, बैंगलोर या पुणे। आपको तो ऑलरेडी वीडियो में पता है कि भाई पुणे जाने वाला है, बट इंस्टाग्रामर्स को कुछ भी पता नहीं रहता है। दिस इज माई फर्स्ट स्टोरी आज दिन की, तो लेट्स सी अपने जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है उनको क्या लगता है। अगर देखा जाए तो मेरे फॉलोअर्स को ऑलरेडी पता है कि भाई अगर बैंगलोर जाता रहेगा बाइक के ऊपर तो पैनियर बिनियर पूरा सेटअप ताम झाम लेके जाएगा। है कि नहीं। तो पैनियर बिनियर कुछ लगा नहीं है, टैंक बैग नहीं है, दैट मीन्स ये भाई इधर के इधर ही जा रहा है। ये है मेरे MRF के टायर्स, नए वाले, नॉट मेरे राहुल के। रेव्स यार ऐसे सिया डांबर का जो रोड रहता है ना वहां पे अच्छे से चलता था, ऐसा कुछ इशू नहीं था। बट सीमेंट का रोड और पानी, बाप रे पानी तो मतलब बिल्कुल ना भाई ना ही। वो रहा लोनावला सिटी और ये है एक्सप्रेसवे। सो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर बाइक तो अलाउड नहीं है, बट एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि खंडाला घाट सेक्शन, वहाँ पे आप बाइक को लेके जा सकते हो ऑन एक्सप्रेस हाईवे। पता नहीं यार इससे बड़ा तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे, और उस पर तो मैं बाइक लेके गया था, वहाँ पे बाइक अलाउड भी है, बट ये रोड का ऐसा क्या सीन है पता नहीं। अगर हम बाइकर्स लोगों के लिए, एटलीस्ट बाइकर्स, नॉट अ नॉर्मल टू व्हीलर गाय, बट एटलीस्ट बाइकर लोगों के लिए तो अगर हो जाता ओपन
तो मुंबई पुणे अपने लिए बहुत नज़दीक हो जाता है, एकदम फटाफट हम बाइकर्स लोग मुंबई पुणे कर पाते हैं। जो पुराना रोड से हमें नीचे से जाना पड़ता है, जो कि लोनावाला से अभी एग्जिट लेना है, उस पर यार ट्रैफिक रहता है, स्पीड ब्रेकर रहता है, छोटे छोटे गाँव आते हैं, तो यू नो जो आपका एवरेज किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वाह यार क्या सही बना है, एक ही नंबर। सो अभी ऑलमोस्ट मैं पुणे आ गया हूँ। पुणे के बाहर का एक एरिया है भूसरी, वहाँ पे मुझे जाना है। और हाँ बीच में मैंने एक मिसल खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली मिसल थी यार, क्या बताओ आपको। एक्चुअली मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के निकला था क्योंकि मुझे रोड के ऊपर मिसल खानी थी, और हाईवे की मिसल का तो टेस्ट ही कुछ अलग रहता है। अगर आप महाराष्ट्रियन हो और सुबह सुबह राइड पे जाते हो तो डेफिनेटली आपको मिसल हाईवे वाली पता रहेगी क्या होती है। सो थैंक यू सो मच संजू जी एंड रितेश जी आपका टाइम के लिए, और होप सो कि अपना जो ये एडवेंचर होने वाला है अभी आपको बाद में पता चलेगा, आप इतना एक्साइट मत होइए, प्लीज़ थोड़ा रुकिए। रितेश सर को और संजू मैम को अपना काम करने दीजिए, फिर उसके बाद में आपको ये सब जो प्रोसेस है उसके बारे में बाद में बताता हूँ, राइट सर? चलो बाय। सो गाइस आज की जो भी मीटिंग थी मेरी बाइक रिलेटेड वो सक्सेसफुली हो गई है यार। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट अभी फ़िलहाल थोड़ा अपने आप को रुकूंगा मैं। जो इस चीज़ का मुझे यू नो ड्रीम दिखाया गया है, सपना दिखाया गया है अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले, अगर वो सच में जो सपना है वो अगर हकीकत आ जाता है ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो गेम चेंजिंग हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा रुकते हैं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, और उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। मुझे लगता है प्रॉपर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। पेट्रोल खत्म है, पहले पेट्रोल भर लेते हैं। आई होप सो कि यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। ओके किधर कैसा, अरे यार पुणे तिथे काय उने। कसा बसून आहे बघतो, तिथे गाडी लावून उभा आहे हा बसून आहे। पुणेकरांचा खरा अवघड आहे। ओ फुल कर। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग थी वो एकदम सक्सेसफुल हो गई है। जो अपने को अभी चेंजेस करना है ना बाइक में, लाइक मेरे को सोच के ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है बाइक के साथ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये प्रोजेक्ट को लेके अपने बाइक के बारे में। और अगर ये मेरे बाइक के ऊपर सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली यार आप तो सबके सब ही जो भी डोमिनार ओनर है वो तो ये मॉड के लिए 101% जाएंगे ही जाएंगे, इसके बारे में मुझे गारंटी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लोनावाला के नज़दीक। ये कोई मैजिक या फिर कुछ तो है, ये ऐसी कोई जगह है ना लाइक लोनावाला के जैसे आप आगे होते हो टुवर्ड्स पुणे, एक वाटर किंगडम टाइप थिंग है। एंड बहुत ज़्यादा धूप है, गंदी वाली धूप है, दोपहर के 2 बजे के धूप में मैं चला रहा हूँ। मतलब वैसे तो यार घर पे बैठे बैठे बोलते रहता हूँ कितना धूप है, बट आज जब भी मेरे को चाहिए तो 2 बजे के जो कड़क वाला धूप रहता है उसमें मैं जस्ट फॉर जो चीज़ मुझे चाहिए अपने बाइक के लिए उसके लिए आ गया।
लाइक सोचने वाली बात है सच में। बस इसी गुड न्यूज़ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यही मौसम पे, यही हाईवे पे मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद रहेगा कि यार मैंने हाईवे पे भी वीडियो को एंड किया है। मतलब एटलीस्ट आने वाले 2-3 हफ्ते के लिए दिल में तसल्ली रहेगी कि भाई मैंने हाईवे के ऊपर गया हूँ मैं ये वीडियो को देख के, कि हाँ भाई हाईवे पे जाके आया है। अभी ज़्यादा उछल मत, हाईवे पे जाना। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।